नमस्कार सर। सर कैसे? बढ़िया सर, आप कैसे? जाऊंगा सर, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं सर। फुल है इसका एसी? जी सर। चलो मैंने ड्राइव पे डाल दिया था। हाँ। बहुत छोटी है। सही है। ये किस लिए? चार्जिंग के लिए। जी सर। इससे वो खुलता है इसका पीछे का कोई शटर वगैरह है? जी। क्या पावर है गाड़ी की सर? सर इसमें आपको 17 किलोवाट की जो है बैटरी मिलेगी। और आपका जो रेंज रहेगा वो आपका रेंज रहेगा अराउंड 250 किलोमीटर की कंपनी क्लेमिंग है, 180 किलोमीटर की कस्टमर रिव्यूज है। ठीक है। और जो पावर जनरेशन आपका इसका रहता है वो अराउंड है आपका, एक मिनट पूरा कन्फर्म कर देता हूँ। सेक्टर कौन सा लग जाता है सर? सर 36। इसका रिम साइज कितना है? सर रिम साइज आपका रहता है इसका अराउंड 14। i10 जितना? जी। इसमें जो पीएस पावर जनरेट होती है सर आपकी 42 पीएस है। अच्छा। और जो आपका टॉर्क रहेगा 110 रहेगा सर। तो ये इसमें वो है ऑटो स्टॉप, ये अपने आप जैसे अभी रुकी जी, तो ये अपने आप को होल्ड कर लेती है ब्रेक पे ना? जी सर। जीरो पे? जी सर। और जो सर और जो आपका रिम साइज रहेगा सर वो आपका इसमें एक मिनट रिम साइज रहेगा सर आपका 12। अच्छा 12 इंच। जी 12। और ये स्पोर्ट्स मोड है। इसके मोड वगैरह और रीजनरेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं सर? इसका जो रीजनरेशन आपका रहेगा वो आपका सारा जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम और इन सेटिंग्स से रहेगा। अच्छा जी सर, तो सारी चीजें सिलेक्ट होंगी। ये टॉप एंड है गाड़ी? ये टॉप एंड है सर। क्या है सर इसकी ऑन रोड प्राइस? सर अगर आप टॉप एंड कंसीडर करते हैं तो टॉप एंड आपका जो रहेगा वो अराउंड रहेगा 1042। ओके। जो 100 ईयर एडिशन का है उसमें केवल कॉस्मेटिक चेंजेस कुछ हैं तो इसलिए वो 42 का है, वरना टॉप एंड अगर आप कंसीडर करते हैं तो 1046 का। अच्छा। 100 ईयर वाली में क्या फर्क है ज्यादा? नथिंग सर, ओनली कॉस्मेटिक चेंजेस, लाइक कलर आपका जो है कलर थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे कि जो ग्रीन एडिशन आप सुन रहे हैं ना जी, वो 100 ईयर्स एडिशन ही है। अच्छा। अब तो मे बी शायद वो उन्होंने लास्ट मंथ के लिए निकाला था, वो बंद भी हो गया। कुछ ही गाड़ियां लिमिटेड बनी थी वो बंद हो गई। और क्या अवेलेबिलिटी सर इसकी? सर आप टॉप एंड ही देखेंगे जी, कितने से शुरू होती है सर गाड़ी? तो आपकी 777 से। और उसमें सेम बैटरी पैक मिलता है? बैटरी पैक सेम है, बस फीचर्स आपके थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है। क्या फर्क है फीचर में? मैं बता देता हूँ सर, एक बार आपकी अवेलेबिलिटी देख लेता हूँ। इसकी टॉप स्पीड क्या रहेगी?
सर टॉप स्पीड इसकी जो जाती है, अभी वैसे तो हमने भी टेस्ट नहीं की है, अच्छा, बट जो कंपनी क्लेमिंग है वो अराउंड 140 के करीब है सर। अच्छा, एक्सक्लूसिव तो आपको मिल जाएंगे सर। एक्सक्लूसिव माने टॉप एंड वेरिएंट आपको मिल जाएगा सर। अच्छा, अभी है अवेलेबल, टॉप एंड भी है, एक एक्साइट भी है, और एक मिनट भी सर। सर एक्साइट वेरिएंट आपका मिडल वेरिएंट है, उसके दो गाड़ियां खड़ी हुई है हमारे पास ब्लैक कलर में। अच्छा, और एक्सीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव हमारे पास सर जो बेसिक वेरिएंट है वो चार गाड़ियां, और जी चार गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और टॉप एंड वेरिएंट जो है आपको एक्सक्लूसिव वो हमारे पास सर एक वेरिएंट खड़ा हुआ है ब्लैक कलर। तो फर्क क्या आएगा अगर मैं डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ सर। हाँ। कि लोअर और टॉप एंड में क्या डिफरेंसेस रहेंगे। हाँ। सर एक्साइट में जो है जो मिडल वेरिएंट है जी, उसके अंदर एक तो आई स्मार्ट कनेक्टिविटी ऐप आ जाती है, कनेक्टेड ऐप जिसके अंदर 55 कनेक्टेड कार फीचर्स होते हैं जी, 10.25 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम आ जाता है आपका, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो बेसिक में नहीं रहेगा सर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आ जाएगी मिडल वेरिएंट में सर जी, फुल डिजिटल क्लस्टर आ जाएगा आपका 10.25 इंचेस का, LCD स्क्रीन रहेगी आपका, जो LED हेडलैम्प्स आ जाएंगे, टेल लैम्प्स आपके LED आ जाएंगे, और एक्सटर्नल जो एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल फ्रंट एंड रियर कनेक्टिंग लाइट्स होती हैं वो आ जाएंगी, एंड 10 इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड DRL आ जाएंगे सर। तो फर्क क्या रहा, ये तो पूरा सेम ही रहा? नहीं सर, ये एक्साइट में आएंगी, एग्जीक्यूटिव में नहीं। इसमें क्या फर्क है? एग्जीक्यूटिव अगर इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या एक्स्ट्रा आ जाता है मैं वो बता देता हूँ जी। इसके अंदर आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा आ जाता है जो आप गाड़ी चला रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स आ जाते हैं सर। अच्छा, ठीक है सर, आपके रियर डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं। ओके, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल आ जाता है आपका। अच्छा, हिल होल्ड कंट्रोल आ जाता है आपका। ओके, इंटेलिजेंट की ये मिल जाती है, स्मार्ट स्टार्ट सिस्टम मिल जाता है आपको। ओके, कि गाड़ी आप ओपन करेंगे जैसे ही आपने ब्रेक दबाएंगे या क्लच दबाएंगे एक्सेलरेटर दबाएंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है सर, दूसरा आपको स्मार्ट वो हो गया, और डिजिटल की विद शेयरिंग फंक्शन आ जाएगा आपका, पावर फोल्डेबल ओवर VMs आ जाएंगे आपके सर। ठीक है सर, और टिल्ट स्टीयरिंग आपको वो मिल जाएगा, तो ये चीज़ होगा डिफरेंस है टॉप एंड में, ये चीज़ आपको एक्सक्लूसिव में इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, और ये बटन है ये क्या है? ये सब बटन ही है, कुछ हो नहीं रहा इससे दबाने से। नहीं, ये बटन नहीं है, ये कुछ और है, मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा एक्चुअली जी। EV व्हीकल्स की जो टीम है एक वो अलग है, तो मैं एक बार उनसे कंफर्म कर लूंगा। इसमें कितने एयर बैग्स हैं सर? 2 एयर बैग्स रहते हैं इसके अंदर। ओके जी, इसमें है लाइट लाइट, और इसमें पीछे बैठ सकते हैं? यस सर, ये सीट पूरी आगे करके। यस सर, पूरी आगे होगी, देन हल्की सी जो रिक्लाइनिंग है उसको यूज़ करना पड़ेगा, देन फिर पीछे जाके आगे बैठ सकते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, स्पेयर व्हील मिलता है हमें? नहीं सर, इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता। और चार्जर वगैरह आप देंगे कोई? सर इसके साथ आपको एक स्लो चार्जर मिलता है, एडेप्टर जिसे कहते हैं जी, वो मिलेगा, बट जब आप उसको इंस्टॉल करवाएंगे तो बॉक्स भी परचेज करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, उसके बाद वो सर, और इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो कितने हैं? सर स्लो उसके आपके जो चार्जेस हैं वो अराउंड 15,000 रुपीज़। अच्छा, और फास्ट चार्जिंग के हैं वो आपके 50,000। अच्छा,
और उसमें कुछ सपोर्ट है चार्जिंग में, जैसे कोई वारंटी गारंटी इसकी? सर 8 साल की बैटरी वारंटी आती है जी। और बाकी सब चीज़ों की जैसे ये बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, एक यही है शीशा और एसी, ये सब आता है वारंटी में? सो वारंटी में बैटरी की तो वारंटी आपकी 8 की आएगी। इन चीज़ों की वारंटी मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। अच्छा, कि इनकी वारंटी ईवी में कितनी रहती है, स्पेशली इन कॉमेट, क्योंकि ZS EV में तो लाइक वो ही है कि 3 साल आपका 1 लाख किलोमीटर वाला रहता है जी। कॉमेट में मेरे को एक बार आपको कंफर्म करके मैं बताऊंगा सर। और ZS EV कितने की है? ZS EV की स्टार्टिंग रेंज है 20 लाख रुपीज़ से, वो 20 से स्टार्ट है और देन टॉप एंड वेरिएंट उसका अराउंड वही 25 के अराउंड जाता है। उसमें कोई अपडेट आया है अभी? नहीं सर, अभी तो सेम ही है। सेम ही है हाँ जी। बैटरी का वही पावर है सर 50 किलोवाट्स का, रेंज जो है आपके अराउंड 450 किलोमीटर है, जो कि कस्टमर रिव्यूज आपके 380-390 के हैं विदेशी, और स्पेशियस वगैरह सब सर है क्योंकि मिड साइज SUV आ जाती है। और इसमें कुछ बूट स्पेस या फ्रंक है? सर इसमें बूट स्पेस तो नहीं है, फ्रंट में आपका सारा बैटरी रहता है सर। अच्छा, तो अपना रेजिडेंस सर ये? हाँ मेरा घर, वो मेरा कमरा है ना, तो वहाँ से लोकेशन भेजी थी तो वही आए आप। ये सर प्राइसिंग रहेगा। और गाड़ी वैसे प्लान कब तक करना है सेक्शन सर? 1-2 महीने में। ठीक है, इसमें कुछ है खुलने का या रखने का? यही है स्पेस? नहीं सर, ये स्पेस यही है सर आपके सामने एज इट इज। और इसमें मैं चेंज कैसे करूँगा मोड्स वगैरह? इससे स्पोर्ट्स है ये आपका नॉर्मली तो, एक मिनट रुकिएगा, जगह तो है इसमें, यहाँ पे भी कुछ है इसमें अच्छा सामान रखने के लिए, बुक्स नहीं। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, टाटा वगैरह में जिसमें बैठा हूँ मैं अभी तक, अच्छी लगी मुझे उनसे। हेलो हेलो, हाँ शिखर भाई। हेलो हेलो, हाँ शिखर भाई। हाँ जी गुरु, मैं अभी एक टेस्ट ड्राइव पे हूँ एक सर। हेलो जी, मैं टेस्ट ड्राइव पर हूँ एक सर के साथ अभी। हेलो हेलो दादा, आवाज आ रही है? हेलो हेलो मुझे एक चीज बताइए, कॉमेट में स्पोर्ट्स मोड चेंज कैसे होता है? वहीं पे नीचे कॉमेट में ना, जहाँ पे आप देख रहे हो ई और S1 की दिखा होगा। हाँ ठीक है, उसी को प्रेस करो, वो ई को स्पोर्ट मोड वही है, बट ये प्रेस हो नहीं रहा है, चक्कर ये है। तो किसी ने उसके अंदर इग्नोर कर दिया। चलो ठीक है, फिर मैं इसको चेक करवाता हूँ एक बार ना। वो ई को स्पोर्ट मोड वही है, ई को स्पोर्ट मोड वही है ना? ठीक है दादा, ठीक है मैं चेक करवाता हूँ एक बार, आई थिंक ये किसी ने किया हुआ है। ठीक, थैंक यू दादा। हाँ सर, ये ई को स्पोर्ट्स का ही आपके वाला बटन है, शायद किसी ने ज्यादा जोर से ही प्रेस कर दिया। ये इसकी की है जी सर, डिग्गी भी खुल जाती है इससे जी सर।
काफी भारी है दरवाजा भी। बैठना है पीछे तो मैं कैसे जाऊं? हाँ डिग्गी तो नॉन एग्जिस्टेंट ही है तो कोई नहीं। ये वाला एडाप्टर मिलता है सर, स्लो चार्जर वाला, ये फ्री है। हाँ, ये विद द कार कॉस्ट है। इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस और जो बॉक्स मिलता है, हाँ, उसके चार्जेस होते हैं। इंस्टॉलेशन इसे क्या इंस्टॉल करना है ये तो मेरे ख्याल से, हाँ जी लग जाएगा, घर पे प्लग वगैरह लगवाएंगे ना, हाँ, तो सेफ्टी के लिए। फिर एक बॉक्स लगता है लॉक वगैरह के साथ, अर्थिंग वगैरह के लिए जी, तो वो पूरा लॉक का जो भी सिस्टम है उसमें आपको घुस तो गया मैं कोई नहीं सही है। पीछे पूरे ना बैठ के, हाँ बच्चों के लिए ही सही है, बड़ा अच्छा है। इसकी क्वालिटी और कॉम्पैक्टनेस अच्छी लगी मुझे। इसकी क्वालिटी मुझे उससे तो अच्छी लगी टाटा वगैरह से। हाँ बहुत भारी दरवाज़ा और फैब्रिक तो चल वही है, प्लास्टिक वगैरह अच्छे, लेदर बहुत अच्छा। राइट, दो बार करना था। स्पोर्ट्स कार की तरह है इसमें जी सर, बढ़िया।